हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज ये ब्लॉग जनरली ऐसे ही शूट होना स्टार्ट हो गया है, तो अभी बताता हूँ कि हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और यहाँ पर हमें मिले हैं दो भाई लोग। ये भी अपनी बाइक भेज रहे हैं और ये देखो हमारी स्कूटी, ये हमारी स्कूटी है। पूरी ऐसे रेलवे पैक कर देता है, ये प्राइवेट पैकेजिंग है। इसकी कॉस्ट आई है लगभग 500 रुपये ले रहे हैं इसकी, और इसमें पूरा फॉर्म वॉर्म सब भर देते हैं हम लोग। और यहाँ पर वो भाई साहब खड़े हैं, देख रहे हो सामने वाले, उन भाई साहब ने इसमें हमारी पैकेजिंग की है। और ऐसे में यहाँ दो भाई और भी मिल गए हैं जो अपनी गाड़ी भेज रहे हैं मुझे बिहार में। तो ये मुगुल, यहाँ इनका फॉर्म भर रहा है। तो मैंने देखा है कि यहाँ पर सामान भेजने का बढ़िया है, लेकिन रेलवे के कुछ पैकेजिंग वो करता नहीं है, जनरली बोर्डिंग पैकेजिंग ही होती है। और 500 रुपये मतलब हमने गाड़ी को ठीक करने के लिए दिया। मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी कैसे पैक हुई। ये देखो ऐसे गाड़ी पैक हो गई है हमारी, और ये पूरे आगे फॉर्म वॉर्म लगा दिया देखो इन्होंने यहाँ पे। ये देखिए ये पूरी ऐसे पैक हो गई है। और कैसे फॉर्म भरा जाता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आधार कार्ड में लिखा होगा ना कहाँ से जानी है, कहाँ तक जानी है, रिसीविंग का एड्रेस, आधार कार्ड। ये दो भाई हैं जिनकी गाड़ी जाने वाली है, ये साइन, और ये हैं पैकेजिंग वाले भैया। और इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पता चली है कि जब कभी भी आपको रेलवे से कुछ बाइक या गाड़ी भेजनी है अपनी, तो आपको पेट्रोल नहीं होना चाहिए उसमें। अगर उसमें गाड़ी में पेट्रोल होगा तो ये पेट्रोल ऐसे निकाल के दे देते हैं। तो अगर आप जा रहे हो तो दो चीज़ों का ध्यान रखो, एक तो पेट्रोल के लिए बॉटल लेके जाओ, और दूसरा पेन लेके जरूर जाओ, क्योंकि यहाँ पेन नहीं मिल रहा भैया, पेन मिलना बहुत मुश्किल है। तो पेन लेकर के जाएँ और पेट्रोल के लिए बॉटल लेके जाएँ। बाकी गाड़ी देहरादून रेलवे स्टेशन पर, यहाँ से हम ऐसे गाड़ी लेके अंदर जाएंगे। और ऐसे देखो मुकुल गाड़ी लेके जा रहा है, और यहाँ पर जो है वो ये पार्सल के कागज़ जमा होंगे ये वाले हमारे, ये तो ये कागज़ ऐसे हम जमा कर देंगे। राय साहब यहाँ पे भी ये भी देख लेंगे, इसका जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे से 14 बजे तक, और 14 बजे से 22 बजे तक का टाइमिंग है, यानी कि 6 से 2 और फिर 2 से 10, इसी टाइम में पार्सल का काम हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पर मेन कंडीशंस हैं जो मतलब गाड़ी भेजने से पहले आपको ध्यान देना होगा। इसमें लिखा हुआ है मोटरसाइकिल का पेट्रोल टैंक खाली होना चाहिए, लोहे की प्लेट बनानी होगी, मोटरसाइकिल में इतने कुंटल चार्ज की होनी चाहिए, मोटरसाइकिल के आरसी का नाम हो उसे ही बुक करा सकता है, और गाड़ी के कागज़ पेपर। हाँ ये रूल आप देख लो। बेसिकली गाइज एक और चीज़ भी यहाँ पे नोटिस किया मैंने कि गाड़ी वही बुक करा सकता है जिसकी गाड़ी के नाम पर आरसी होगी। सपोज़ करो अगर मेरे नाम आरसी है तो मैं ही बुक करा सकता हूँ। ऐसा नहीं है मैं अपने दोस्त को भेज दूँगा, भाई को भेज दूँगा, बहन को भेज दूँगा, और उनका आधार कार्ड होना चाहिए मेरे पास, तभी ये लोग यू नो वैलिड मानते हैं उसको, वरना ये मानते नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ भी है, तो जनरली इस चीज़ का भी ध्यान दें कि जिसके नाम गाड़ी हो वही आए, या उसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन हो तो चल जाता है, ऐसा मैंने नोटिस किया। ठीक है, एक और चीज़ है कि अगर आप गाड़ी भेज रहे हो यहाँ पर, तो मैंने भी पता चला है मुझे कि इंश्योरेंस आपका वैलिड होना चाहिए। होता ना जैसे कुछ लोग गाड़ी चला रहे हैं बस इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं कर रहा, तो कोई भी टाइप का इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना गाड़ी ये पैक नहीं करने वाले। तो इंश्योरेंस होना चाहिए, और अगर आपने भेज दिया वैसे भी तो डॉक्यूमेंट पूरे लगते हैं, ऐसे भी नहीं जा पाएगी। अगर गलती से आपने कोई फेक इंश्योरेंस डाल दिया, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसका मतलब ये होगा कि अच्छा वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है देखो वो दिखा दिया मैंने। अगर इंश्योरेंस फेक हो जाता है तो उस केस में ये हो जाता है कि आपकी गाड़ी में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो एक तो आप पे कोई रेलवे की कोई धारा भी लग सकती है, और इंश्योरेंस क्लेम तो खैर होगा ही नहीं होगा क्योंकि आपने झूठे डॉक्यूमेंट पेश किए। इसलिए इन बातों का भी थोड़ा से हमें एक बिल मिल गया है यहाँ पे टिकट टाइप का, और ये लग गई है इसमें स्टिकर, परमानेंट स्टिकर कि आपकी गाड़ी कहाँ से जाएगी, किसके नाम है, फ्रॉम, और किसको मिलेगी टू, और इस तरह से रेलवे का पूरा मार्क लग गया। इसमें क्यूआर कोड वगैरह है, हो सकता है जब स्कैनिंग होगी तो वो आ जाएगा। और इस तरह से इसमें एक और चीज़ लगती है, वो यही है, ये ऐसी, इसमें बस नाम लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है बंदे का जो होता है। फाइनली हमारी गाड़ी जो है पैक हो गई है, और गाड़ी में लग गया स्टिकर, थोड़ा आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, यहाँ पर रोड पे थोड़ा क्रॉस कर रहे हैं। बस अब हम फाइनल पेमेंट कर रहे हैं उनकी, और हम जा रहे हैं। अब मुझे मेहुल मुकुल को छोड़ना है, ISBT रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं हम, फिर उसके बाद इसको विदा करते हैं, और फिर देखते हैं नेक्स्ट वीक आएगा ये, तब घूमने फिरने जाएंगे कहीं। हम सोचा था गाड़ी आएगी हम घूमेंगे फिरेंगे, अब इसका ट्रांसफ़र ही चंडीगढ़ हो गया है, ये बड़ी दिक्कत की बात है। पर चलो तो फिर फाइनली मुकुल निकल रहा है यहाँ से, बाय तो कर दे। अच्छा चलो फिर हम सामान निकालते हैं, एक मिनट।
ये रहा मुकुल का सामान, पूरी गंदी हो रही थी, है पहले साफ करनी पड़ी मुझे। मुकुल की तो ये चली विदाई, ठीक है आराम से आना है। इसकी चैन नहीं, क्या लगी हुई बैग की, आगे वाली खराब नहीं है। ठीक है ठीक है भाई। मुकुल निकल गया है और थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन चलो काम तो करना ही है ना। तो चलिए अब चलते हैं, मैं भी निकलता हूँ। ये वो माइज बेटी पे अभी, और वो जा रहा है मुकुल, और अभी मैं कॉलेज जाऊँगा, कॉलेज से जा करके फिर देखते हैं क्या क्या होगा, फिर मिलते हैं। तो सर गाइस अभी मैं हॉस्पिटल में आ गया हूँ और रियाल सर भी मेरे साथ, हमारे काम का जल्दी। तो गाइस फाइनली अब मैं आ गया हूँ घर पे, और अब पूरा दिन भर पूरा हेक्टिक रहा है। रेलवे स्टेशन, फिर आईज बेटी गया, फिर मुकुल को छोड़ा, विदाई विदाई हुई, फिर उसके बाद मैं, और उसके बाद हम कॉलेज चला गया। मैं कॉलेज में हॉस्पिटल में भी जाना पड़ा, मतलब वहाँ हॉस्पिटल क्लाइंट का ही, तो वहाँ पे काम चुन चल रहा था देखने के। फिर उसके बाद आज ट्रैफिक में रहा मैं कम से कम खड़ा, पता नहीं आधे घंटे में खड़ा रहा हूँ, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट आ गया, अपने ऑफिस आ गया, फिर ऑफिस के 36 काम फिर उन्हें निपटा के फाइनली 8 बजे घर पहुँचा हूँ। और बस ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये साल की मेरी पहली वीडियो है, वो भी 14 तारीख को स्टार्ट हो रही है। सो देखते हैं कल संडे, अगर वीडियो बनेगी तो कल लेके आऊँगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, थके हुए मुँह को थोड़ा सा देख लीजिए, आप अभी थोड़ा थकान हो रखी है, कल फिर फ्रेश मूड से काम करेंगे। सो बाय गाइज़।